परसों की घटना है, एक भगत जी का टेलीफोन आया। संयोग से कार्यालय का नंबर मैंने उठा लिया, इटावा से फोन था। जय सियाराम, क्या आज्ञा है भगत जी? भैया महाराज जी की भागवत करानी है, तो मैंने कहा कौन वाली भागवत? बोले राम कथा वाली भागवत। तुमने कहा भैया 15 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं महाराज की, राम कथा वाली भागवत उन्होंने अभी किया ही नहीं है। बोले मैं भी 10 साल से सुन रहा हूं उनको। अब मुझे हंसी आ गई। हमने कहा भैया मैं प्रेम भूषण बोल रहा हूं, मैंने तो आज तक भागवत बांची को नहीं, अब बेचारे झेप गए आप। जरा मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कल्पना करिए 10 वर्ष से सुन रहा व्यक्ति यह अंतर नहीं कर पा रहा है कि प्रेम भूषण राम कथा गाता है कि भागवत जी की कथा गाता है। काहे यही सब हम लोगों ने घसड़ मसड़ कर रखा है। मेरे को कई लोगों ने कहा कि उदाहरण अनेक आते हैं, आप भागवत जी में जाते नहीं हो। नहीं 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 नहीं, देखिए परवल आलू बन जाए, मटर पनीर बन जाए, घुइया बन जाए, टिड्डा का भरवा बन जाए, जब कोई भी साग पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तब माताएं बनाती है सड़मड़वा सब्जी बन जाए। उसका रेस्टोरेंटी भाषा में नाम है मिक्स वेज। ये माताएं कब बनाती है? जब थोड़ थोड़ सब हो, थोड़ा आलू हो, थोड़ा मटर हो, थोड़ा टमाटर हो, थोड़ा बड़हर हो, थोड़ा जो जो हो मिला दे सब। मैं आपसे निवेदन करता हूं जो कथा सुनो सोई सुनो, और वक्ता लोग जो बैठे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है जो गाओ सोई गाओ, सड़मड़वा न करो भाई। मुझे श्री महाराज जी ने श्री राम कथा गान करने के लिए बुलाया है, मैं आपको सीधा श्री रामचरितमानस जी में रखूंगा, कोई सड़मड़वा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं नहीं, मैं तो यही शब्दों का जूठन उठाते उठाते कथाकार बन गया, और कथाकार बन गया कथा करने लगा। मेरे बाबा सीधा कहते पूरी मैं निज गुरु सन सुनी कथाथ सोकर, कितनी बार तदपि कही गुरु बार ही बार। गुरुदेव भगवान ने बार बार सुनाया, वस्तुतः कथा बार बार सुनने की है। और यह आवश्यक नहीं कि एक बार में ही हमारी चेतना दिव्यत्व को प्राप्त हो जाए, नहीं 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 नहीं, भजन तो कथा का श्रृंगार है। जैसे माताएं वस्त्र धारण करने के बाद श्रृंगार करती हैं तो उस स्वरूप को अलंकृत कर देता है, लेकिन वसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित पर नारी। हाँ, श्री हनुमान जी महाराज रावण को कहते देखो सजल मूल जिन सरितर नाही, बरस गए पूरी तब ही सुखाई। ये कथा गुरुदेव भगवान के सम्मुख से गोस्वामी जी बार बार सुनते हैं और धीरे 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 जो समझ पाए उसको भाषाबद्ध कर दिए। बस मानस के वर्णनाम और संघनाम से लेकर दह्यंतिनो मानवा तक केवल और केवल परमात्मा श्री राम का चरित्र है। उन्हीं के चरित्र के बारे में प्रश्नावली है, कृष्ण जी महाराज और गरुण जी का, माँ भगवती और भोले बाबा का, भरद्वाज जी आगमलक जी महाराज का, गरुण जी और काग वसुंडी बाबा का। अब इतना दिव्य है, भव्य है, नव्य है, अद्भुत है, मनुष्य के एक जीवन का तो व्यवहार ही नहीं है।
ये जन्म जन्मांतर को सजा देती है रामकथा साहब। ओह क्या कहना, क्रमांक 1 से लेकर 43 तक मानस का मानसर है, महिमा है, नाम वर्णन महिमा का वर्णन है, पुरी वर्णन है, पारखत वर्णन है, और जो जो गोस्वामी जी को इस ग्रंथ का सार तब समझ में आया गोस्वामी जी उसको रखते हैं। और तत्पश्चात याज्ञवल्क्य जी महाराज के द्वारा भरद्वाज जी के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में महर्षि याज्ञवल्क्य जी भगवान शिव माँ सती के अगस्त ऋषि महाराज के आश्रम पर जाकर कथा श्रवण करने की कथा का उपक्रम बनाते। मेरे बाबा का प्रबंधन अलौकिक है साहब, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। कल मैं तारकेश्वर जी से कह रहा था, गोस्वामी जी की लेखनी इतनी अद्भुत है, क्या कहना है और किसके द्वारा कहलवाना है, गोस्वामी जी इस मर्यादा का पूरा निर्वाह करते। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।